तो देखो बेटा, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के विच इनिशियली जो फोर्स नहीं सी लग रही तब बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही थी, पर जो बॉडी पे फोर्स लगी तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब फोर्स लगने तो बाद बॉडी का मोशन की हो जाएगा 2D हो जाएगा। हम बेटा आपा की करना कि जेडी इनिशियल वेलोसिटी है ओदी डायरेक्शन नु अगर एक्स एक्सिस मान लेने हैं, है ना, एक्स एक्सिस मान लेने हैं, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन की फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस होगी, आप कह सकते हैं। तो हम बेटा क्योंकि इनिशियली थोड़ी बॉडी अलोंग स्ट्रेट पाथ जा रही थी, तो इसका मतलब ओदी जेडी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड आई कैप। मतलब इस न्यूमेरिकल च सानू ए आई कैप जे कैप आप सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, जेडी फोर्स है बेटा वो लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अलोंग वाई एक्सिस होएगी। कितनी होएगी? और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा जेडी है वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 6। तो टाइम 4 सेकंड है, कितना है 1 सेकंड। मतलब जेडी गल थोड़े लिए सीखन वाली है ना, और सीख के उन्हें याद रखना जरूरी है पुत्र, वो है कि अगर थोड़े सामने किसी प्रॉब्लम दे विच जो एक्सेलरेशन है या फोर्स है अगर वो इनिशियल वेलोसिटी दे नाल कोई भी एंगल बना रही है एक्सेप्ट 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो वो थोड़ा 2D मोशन होएगा, है ना। और उस केस दे विच जो असी डायरेक्शंस है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेनी है, जिदा कि मैं इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन नु एक्स एक्सिस मान लिया और फोर्स दी डायरेक्शन नु वाई एक्सिस मान लिया, और उस तो बाद फिर 2D दे कांसेप्ट्स लगा के असी प्रॉपर आंसर तक पहुंचना। तो इत्थे तक बेटा गल समझ आ रही है थानू? ठीक है, श्योर है ना? ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स मैं बोलता ना इन कॉपी पे नोट करया करो, तो हवा दे विच देखते रह जाने हैं तुसी जो क्वेश्चन पूछीदा विश्व। कॉपी पेन है ना तेरे को? तो मैं वो पहला भी लिखाया सी जो मैं पूछया सी कि 2D की कंडीशन की होंगी है, दसिया नहीं सी कि इनिशियल, तो फिर दसिया था तू है नहीं, लिखे नु पढ़ना भी है। हाँ दसिया नहीं, चलो चलो हम देखो इधर हम गल नु समझो। तो हर स्टूडेंट जेड़ा ना उन्होंने मैं जो ये बोलता पॉइंट्स वो तो उन्होंने लिख लिया करो, अंडरलाइन कर लेने, उन्होंने हाईलाइट करो ताकि आप जो उसको अप्लाई करिए तो थानू क्लियर हो जाए। तो हुन अगला पॉइंट जेड़ा आप डिस्कस करना वा, देखो ये जो 2D मोशन है पुत्र, इसके बारे डिस्कस करने तो पहला एक मैं होर न्यूमेरिकल जेड़ा कि कल दे टॉपिक नाल रिलेटेड है ताकि देखना वा भी तुसी कितना अलर्ट है, है ना। तो अगर बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू
क्या तुसी इस क्वेश्चन नू सॉल्व कर सकते हैं बेटा? दो वैक्टर्स दे विच एंगल लई तुहाडे दिमाग च केड़ा फार्मूला आना चाहिदा? डॉट प्रोडक्ट दे, डॉट प्रोडक्ट दे नाल रिलेटेड है, ये भी हिंट दे देना। तो एक तो होंगे ए बी कॉस थीटा, कल आप लिखा था सी हम देखो हाँ बेटा इधर देखो हम तुसी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन च एंगल निकालना जो है ना, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट वी ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा की बनेगा हम वी वेक्टर निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड टीवी अब तो इनो है ना हम जदों तुसी यूज करना वा तो टाइम कितना दिता पुत? तो एट टाइम वन सेकेंड तो इतने टी वन पुट करके वेलोसिटी बन गई 89 कैप माइनस 8 जे कैप और एक्सेलरेशन बन गई 36 आई कैप माइनस 8 जी कैप है ना। तो हुन मैग्नीट्यूड की बन गया माइनस 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर सेम ही है ना, इस करके जी लिखना लिख भी लो तो ए इथे पुट कर देने हुण इहदे च पुट करूंगे जदों तो आ दोनों ने मल्टीप्लाई होना ना इहने माइनस प्लस वी एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी वाई इंटू ए वाई और आ दो वैल्यूज आंसर आ गया। है एंगल नहीं, एंगल छोटा ही है, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है। तो मतलब जदों थानू इस तरह की प्रॉब्लम आएगी है ना एंगल निकालने के लिए, तो ये नहीं है कि ना प्रैक्टिस कर ले। फिर देखो बेटा, देखो हुण जदों असीं गल कर रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन दी है ना, वापस फिर इत्थे आ जाइए टू डी च, तो पिछले कंसेप्ट नूं भी नाल कैरी करके चलना क्योंकि वो याद रखने बड़े जरूरी है पुत्र, अदरवाइज प्रॉब्लम आती सब नूं। तो लिखो
if u vector is equal to and acceleration is equal to find displacement after time 5 seconds. मतलब इस तो आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता थोड़े सामने, तो इन 2 मिनट च सॉल्व करो बेटा। कृष्णा केड़ा फार्मूला यूज किया, हाफ ए टी स्क्वायर है ना, मान्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई, करो करो जल्दी। महक रक्षित गर्व विश्व कितना आंसर आया, ये आंसर कितना आया, गलत लग रहा है। आई कैप और आई कैप मिल जाने हैं, ठीक है। देखो ये आया, बोलो बोलो, हाँ वो तो फर्दर निकाल सकते हैं, वो तो 185 डिवाइडेड बाय 2 नो है ना।
वो तो कोई गल नहीं है, इतने तक भी रख सकते हैं। हुण देखो अगर तो MCQs है फिर तो ऑप्शन तो पता लग जाएगा कि असी इनू पॉइंट्स दे विच कन्वर्ट करना, डेसिमल पॉइंट्स के फ्रैक्शन च ही रखना ना, वो तो क्लीयर हो ही जाएगा सानू ऑप्शन तो। तो जे सब्जेक्टिव टाइप है फिर कोई गल नहीं, फिर इदा भी आंसर छड़ सकते हैं, तो इनू फर्दर भी लिख सकते, तो कोई प्रॉब्लम, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। तो हम देखो ये क्योंकि आई और आई ने ही ऐड होना ना, जे ने जे नाल होना, के ने के नाल होना, तो ये सारा कंसेप्ट थानू पता होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आई कैप है जे नहीं है। हम देखो बेटा हम मैं मतलब आज अपना ये लास्ट लेक्चर ही है 2D दे ऊपर, फिर आपा प्रोजेक्टाइल पे भी शिफ्ट करना, तो मतलब तुसी इस पॉइंट नो थॉरली दिमाग च बिठा लेना ना भी की है। देखो बेटा जदों असी गल कर रहे हैं तो फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की करूंगे बेटा, हाँ मतलब ये गलां जी तो मैं दस रहा, ये बड़े छोटे पॉइंट्स है बट ये हमेशा याद रखूंगे। वो क्यों इंटीग्रेट क्यों बोले आप, फिर गल वही आ गई कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेशन ने हेल्प करनी है, फिर डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं अप्लाई कर सकते पुत्र, ये गल नूं समझो बार बार मैं कह रहा। तो जेडे इनू फॉलो करेंगे उहदे लई अगे वधिया काम आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी तुहानूं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी, तो डीवी इज इक्वल टू ए डीटी, तो डीवी ए दी वैल्यू बेटा है 3t i cap plus 5j, तो 3t dt i cap plus 5dt j cap इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि तुहानू दस्या होया कि जो i cap है ये भी कॉन्सटेंट ही है, इंटीग्रेशन चो बाहर आ जाना, तो आ बन गया वी, आ बन गया 3i cap और आ बन जाना मतलब t² / 2 है ना 5j cap। तो एक वेलोसिटी एट एनी टाइम आ गई, जनरल रिजल्ट आ गया ना, पर जे मान लो लिमिट्स दित्तियां होंदियां तो ओदे अकॉर्डिंगली भी कर सकदे सी आपां। तो हुण ये जिहड़े मैं तुहानूं पॉइंट्स दसे आ पुत्र, ये बेसिकली साढ़े दिमाग दे विच एक कलैरिटी होना बड़ा जरूरी है, और ये गल जिहड़ी आपां इत्थे 2D मोशन लई अप्लाई कर रहे हैं, 1D लई 3D लई भी सेम कंसैप्ट ही रहेगा, तो ये याद रखना वा तुसीं। तो हुण क्योंकि एक गलती जो हम अपना नैक्सट टैसट भी होएगा ना, नैक्सट वीक रखा आप एक टैसट, तो वो भी इन्हें क्वेश्चन जो आने तो तुम लोग ही हैं जिन्होंने गलत करने हैं, क्यों क्योंकि फिर आप ध्यान नहीं देना, तो एक्सलरेशन कॉन्सटेंट है कि नहीं है तो यदि परवाह नहीं करनी आप, है ना, जोड़ा एक फार्मूला आता वही लगाई देना, तो इदा गड़बड़ होएगी सारी, तो इन्हें कंसनट्रेट कर लो, हाले भी टाइम है पुत्र, नहीं तो फिर प्रॉब्लम वही हो जाएगी थोड़े सारे। Now, हुण भी अगला जो टॉपिक बेटा आपका स्टार्ट करना वा, उस तो पहला मैं कुछ पॉइंट्स तुहाडे नाल आज डिस्कस करने हैं पुत्र, वो की है देखो
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2D ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2-dimensional ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 2-dimensional ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਦੇਖਿਓ, रेन प्रॉब्लम आएगी, रिवर बोट प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंसेप्ट जेडे अपने सामने आने हैं, इन्हों का कंसर्न 2D मोशन नाल है, 2D मोशन, 2-dimensional मोशन। और एक टॉपिक जेड़ा आपां की इन्हों तो पहला स्टार्ट करना, वो बेटा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी मोशन इन 2D है, और सर्कुलर मोशन तो ये भी 2D मोशन है। हुण ये जो चार टॉपिक्स आप कवर करने हैं आने वाले दिनों के, है ना, 5-7 दिन कवर करने हैं आप। तो हुण गल को सुनियो, कुछ सारे ध्यान ने ना गल समझियो, आ जो दो प्रॉब्लम्स है ना, रेन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, नो डाउट ये 2D प्रॉब्लम्स है, 2-dimensional प्रॉब्लम्स है, पर ये प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ना ये रिलेटेड है यूनिफॉर्म मोशन इन 2D, क्योंकि जो साडे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, चाहे रेन प्रॉब्लम है तो चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम है, हाले सिर्फ नाम के नाल ही आप देख रहे हैं, तो उसके विच बेटा जिन्या भी बॉडीज इनवॉल्व होंगियां उन्हां दी वेलोसिटी कॉन्सटेंट होएगी, उन्हां दी वेलोसिटी कॉन्सटेंट होएगी, इस करके ये यूनिफॉर्म मोशन इन 2D दे अंडर कवर हो गया। मतलब इतने आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त असी, क्योंकि सानू क्लीयर है कि ये यूनिफॉर्म मोशन दे नाल रिलेटेड है, तो असी यूनिफॉर्म मोशन दे रिजल्ट्स ही अप्लाई करने हैं इन्हां दे लई, है ना, वो जो करांगे उदो ज्यादा क्लीयर होएगा। बट मैं इहदी गल मन्नो, माइंड नू सैट किदां करीदा कि जदों मैं कोई प्रॉब्लम कर रहा हां तो वो प्रॉब्लम किस कंसेप्ट दे नाल रिलेटेड है ये मेंशन जरूर करया करो, अदरवाइज थानू प्रॉब्लम आंदी है कि सानू आप ही नहीं पता लगता कि प्रॉब्लम होता गई है पर होई की है। तो जो ओदे बारे क्लीयर होना शुरू करांगे फिर असी बैटर वे दे विच अननोन प्रॉब्लम नू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूजी गल बेटा, जिहड़ा आपां प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ांगे ना, जिहदा सब तो पहला नंबर आएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसर्न बेटा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2D मोशन ही है, बट फर्क ही है इहदे विच यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने करके साडे कोल किहड़ियां इक्वेशंस लगाउण लई फार्मूलाज किहड़े किहड़े है, ਉਹੀ v is equal to u plus at, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इन 2D। और इस मोशन को स्टडी करने लई साडे कोल, साडे सामने डिफरेंट ते न्यू वन फिजिकल क्वांटिटीज सामने आ गई। जो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं अभी, वो आप कुछ नाम पढ़े सिर्फ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਫਟਰ 1 week ਉਹਦੀ ਟਰਨ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2D ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਛੱਤ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਹਨਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ, ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪਲੇਨ, ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਓ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 2D ਜਾਂ 3D ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ